के कुछ लोगों ने मुझे गलत रास्ते से यहाँ पर भेज दिया। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम कल आके मंदिर में ठहरे थे, कहीं पर मुझे पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग मिले, कहीं पर मुझे नेगेटिव सोच वाले लोग मिले। कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ही मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं अगले सफ़र के लिए। वाकई में ये बात सच है, दुनिया अच्छी भी है बुरी भी है। दुनिया में लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ यार, जानबूझ के कुछ लोगों ने मुझे गलत रास्ते से यहाँ पर भेज दिया। जिस रास्ते पे मैं जाना चाहता हूँ उस रास्ते से मेरा ध्यान हटवा कर मुझे गलत रास्ते से भेजा। कुछ लोग थे जिनसे मैंने पूछा कि रास्ता, मुझे यहाँ जाना है मुड़ेगांव के लिए, तो किस रास्ते से जा सकता हूँ। लोकेशन में मतलब लोकेशन रॉन्ग दिखा रहा है, एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा। तो मैंने कुछ लोगों की मदद मांगी तो कुछ लोगों ने मुझे यही बताया कि तुम इस रास्ते से जाओ करके। जो सही रास्ता था उस रास्ते को छोड़कर मुझे लोगों ने गलत रास्ता दिखाया, जो कि एकदम से जहाँ पे चलना भी मुश्किल है उस रास्ते को मुझे दिखाया लोगों ने। जहाँ पे काटा वगैरह ज़्यादा होते हैं उस रास्ते को मुझे लोगों ने दिखाया। अभी फ़िलहाल उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ। अभी यहाँ से मैं इतना दूर आ चुका हूँ कि मैं पीछे मुड़कर भी नहीं जा सकता, बस यूँ ही चलते रहना है। लेकिन यहाँ पर आगे डांबर रोड भी लगेगा मुझे। मैंने कुछ लोगों से यहाँ पर पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ डांबर रोड लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा दूर जाना पड़ेगा चल के, बस जाना है। मतलब एवटी आप मानस नहीं खेती बाड़ी अत्र ज्यादा कर व्यवस्थित करेक्ट करेक्ट सर जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम घूमते हो, इतने दूर दूर जाते हो, लेकिन जो सेफ्टी प्रायोरिटी है वो सबसे पहले नंबर पे आता है और तुम्हें अपना ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू सका। अब मत साइकिल पर हिंड्रो तो अपन गोरमाटी घाबरी मिले की साइकिल पर को हिंड्रो जी बागे नहीं हिंड्रोस को जाने के। हां हम यहां पर याड़ी जी से मिले, याड़ी ने क्या-क्या बोला आपने सुना होगा, तो अभी क्या है याड़ी से मिल लिए, आगे जाते हैं, आगे इस तरफ जाते हैं। हंड्रा मारे तो गुडी मुंडा का थे महाराज को नहीं पायरी को कटा साली से। अच्छा बच्चे लोग ऐसे आ जाते हैं। ये देखो ये है दोड्डी तांडा के बच्चे लोग, और जिस भी तांडा में जाते हैं ये छोटू मोटू गोलू सारे के सारे मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि कुछ बोलना है, जैसे वाला बोलोगे और कुछ बोलना है, बस इतना ही, नहीं कुछ नहीं बोलना है। अच्छा अच्छा वो बोलना था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली मैं मराठवाड़ा में हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मराठवाड़ा में कोई भी जा सकता है, काफ़ी सेफ है। और यहाँ पर जब आप किसी की मदद मांगते हो मराठवाड़ा में स्पेशली, तो डेफिनेटली मुझे पता है, जैसे कि मैं पहले से जानता था यहाँ पे डेफिनेटली मदद मिलेगा करके। और एक भैया वहाँ पर आया था, रोड पे जा रहा था, तो मैंने वहाँ पे रुक के बाइसाइकिल को पूछा भैया को कि मैं होटल को जाना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई होटल मिलेगा। भैया ने बताया कि हाँ ज़रूर मिलेगा, लेकिन हाई बजट पे होटल मिलेगा। तो मैंने भैया को कहा कि मैं अंडर बजट में ट्रिप कर रहा हूँ, मुझे अभी जाना है। तो भैया ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप हमारे घर आ सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। और आप देख सकते हो दीदी ने यहाँ पर खाना ला कर दिया है। mm-hmm.
यहाँ पर भैंस जो है हेलमेट देख के डर रहा था तो मैंने निकाल दिया है। और वैसे ही मैंने टी भी पी लिया, अभी समय है जाने का। अभी बताना है वो डरेगा कि नहीं। ये भैंस आप देख सकते हैं, ये मेरे हेलमेट से डर रहा था। ये चांगलं वाटलं ताई मला इथे एक दिवस राहून। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे लोग हैं। और पूछे जा रहे हैं कि चा हो गया टी हो गया तुम्हारा, मतलब टी उन्होंने भी दिया और उस तरफ उन्होंने भी दिया, दोनों तरफ मैंने टी पी और वाकई में काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर मेरे सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये देखो फूल डाल रहे हैं, मेरे सेफ्टी के लिए भगवान को अर्चन चढ़ा के फूल डाल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर इन लोगों के साथ में रहकर। टाटा ताई ये तो ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू गो, बाय बार क्या। ओके जिनकी मैं बात कर रहा था वो जो है सामने बैठे हुए हैं। हेलो जय सेवालाल भी, एक्चुअली थैंक यू वेरी मच कि तम मना ती इनवाइट की दे पुणे माओ के ताणीन। तो मन भी मस्त लगी तमाती वादे कर ताणीन। स्टार्टिंग एन एक्चुअली तम ये कहते मन मन घन मानस कहते कि पुणे माई दे अपन गोरमाटी रे निकरण घन मानस कहते मन पुणे बकम सर मोस्टली मोस्टली म्हणजे आपण आंध्र कर्नाटक कॉन्ट्रॅक्टशिप किंवा लेबर वर्क सर्व आले लोकल महाराष्ट्र जे आय टी वर्क सर्व आवच किंवा गव्हर्नमेंट सर्वंट करण पण हे बकम गोरमाटीच पण एवढी तांडा वगैरे छे आपण पुणे सा तांडा बीच सेवालाल महाराज मंदिर तांडा हनु तांडा सा एक येरोडा करणावच एक वारजेच एक लभान वस्तीकरण पाषाण आहे आणि शे एवढी काही ना काही 40-50 तरी फॅमिलीच। तो एक्चुअली लभान करण के मध्ये आपण वो सिक्रस काही कोणी आपण गोरमाटी रच काही सिक्रस रचो कोणी कोणी प्रॉपर बंजारा आंध्रा किंवा या मते कर्नाटक ते आमेले। अच्छा अच्छा लभान करण उन के माझा आपण जे सौते रामेले च नाही कर्नाटक किंवा आंध्रा ती वो लभान कच जे महाराष्ट्रात यावच वो फक्त बंजाराच कच आम लभान का नाही आता महाराष्ट्रात लभान कोणी। अच्छा आम फक्त बंजारा किंवा गोरमाटी कच। अच्छा 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 ग्रेट। और एक बात मैं बताऊं तो भैया जो है काफ़ी फेमस है, आपको पता है कि नहीं ये मैं नहीं जानता लेकिन काफ़ी फेमस है। वो एक मॉडल है और उनका अपना बिजनेस भी है, यहाँ पर बिजनेस करते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस। हाँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उनका।